हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर जो 2 है उसके अंदर हमने उसको 2.6 के हरी और हरी जो क्वेश्चन था लास्ट वहाँ तक करवा दिया है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसका पार्ट फर्स्ट होगा। सबसे पहले आप बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। और ये चैप्टर की स्टार्टिंग है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक समतल क्या होता है। सबसे पहले समतल को समझेंगे। समतल होता क्या है? समतल क्या होता है? एक ऐसा तल जो कि हर तरीके से समान हो, जैसे कि एक कागज, एक वाइट बोर्ड, ठीक है ना, चाहे ब्लैक बोर्ड हो चाहे वाइट बोर्ड हो चाहे कोई भी, ये क्या होते हैं? समतल होते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। समतल के बारे में इसको बना भी सकते हैं इस प्रकार से, ये समतल है। आप जिस पर आप खेलते हैं, किस क्या चीज़, चेस वगैरह खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो सभी क्या होते हैं? समतल होते हैं। ये समतल नहीं है, ये समतल नहीं होगा, ये भी समतल नहीं होगा, तो ये समतल बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुभुज की, या फिर इससे पहले एक बात और करते हैं, खुला वक्र और एक होता है बंद वक्र। तो खुला वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र जो जिसकी जो दीवारी है, मतलब चार दीवारी है, से बंद ना हो, जैसे इस प्रकार से ये वाला, ये खुला वक्र है क्योंकि यहाँ से इसका स्पेस है। और बंद वक्र में पूर्ण रूप से बंद होगा, चारों तरफ से बंद है, ठीक है ना। खुला वक्र कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा तो इसका स्पेस होगा ही, ये खुला है यहाँ से, तो ये खुले वक्र हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके तो चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है कि बहुभुज क्या होते हैं। बहुभुज को समझ रहे हैं, बहुभुज क्या होते हैं? तो इसको आप क्या समझेंगे, ऐसे लिखेंगे, कई भुजाओं से घिरी आकृति। अब कई भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ठीक है ना, तो हम बनाते हैं सबसे पहले इसको कई भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, चार भुजाओं वाला होता है चतुर्भुज, पांच भुजा वाला होता है पंचभुज, छह भुजा वाला होगा षटभुज, ठीक है ना, इस प्रकार से आठ वाला होगा अष्टभुज। तो इसको जरा बना के दिखाता हूँ। त्रिभुज में तीन भुजाएं से घिरा होता है ये त्रिभुज, ठीक है ना, तीन भुजाएं हो जाएगी, एक दो तीन, एक दो तीन, और तीन ही क्या हो जाएंगे, कोण, एक दो तीन, नाम भी दे सकते हो ए बी सी डी एफ। परंतु जो चतुर्भुज होगा इसमें कितनी भुजाएं होगी, चार भुजाएं होगी, ए बी सी डी, कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। पंचभुज में क्या होगा, पांच भुजा होगी, एक दो तीन चार पाँच। षटभुज में छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अष्टभुज में आठ भुजाएं होगी, देख लीजिए शायद आठ हो गई, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ भुजाएं।
इस प्रकार से आप बहुभुज को डिफाइन कर सकते हैं। अनेक भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है? बहुभुज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं। तो पता चल गया है चार भुजाओं वाला बहुभुज। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुभुजों का वर्गीकरण है इसके अंदर, हाँ नेक्स्ट पेज पर दे रखा है पूरा का पूरा, तीन त्रिभुज चार चतुर्भुज, तो ये सारणी आप रीड कर सकते हैं जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है विकिरण, पेज नंबर है 42। विकिरण क्या होते हैं? जब दो आमने सामने के कोणों को मिला दिया जाए किसी बहुभुज में तो वो विकिरण बन जाता है। जैसे कि ये वर्ग है, मान लीजिए ए बी सी डी, इसमें आमने सामने कोणों को अगर मिला दिया जाए ए और सी को, तो ये क्या बन जाएगा? ए सी एक विकिरण बन जाएगा। इस प्रकार से बी डी भी क्या बन जाएगा? एक विकिरण बन जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप विकिरण भी आप समझ गए होंगे। क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस क्या मतलब? आमने सामने के कोणों को आप मिला दिए, वो क्या बन जाएगा? विकिरण बन जाएगा। नेक्स्ट है सम और विषम बहुभुज। एक सम बहुभुज समकोणिक होता है। एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए वो सम बहुभुज है। ठीक है ना, एक आयत समकोणिक होते हैं उसमें, क्योंकि सारी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बताना चाहता हूँ मैं, देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इसके जो तीनों कोण हैं ए बी सी, अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये 180 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब कि ये चतुर्भुज है चार भुजाओं वाला ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको चारों कोणों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, नोट कीजिए। ये आपके बेसिक्स है कुछ, ये जो आप नोट कर रहे हैं, जो अब तक नोट करवाया है आपको, ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसका बेसिक है, और इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली आप चैप्टर को कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको आप रीड कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पर्सनालिटी नंबर 3.1 स्टार्ट करवाएंगे। थैंक यू।